गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज क्या है इसका इंट्रोडक्शन तो कृपेश भाई ने दे दिया, तो हम सीधी सब्जेक्ट के ऊपर ही बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि अब तक में हमने प्रैक्टिकल के बहुत सारे लेक्चर्स में सब कुछ देख लिया, और फूड जो है वो भी एक साधना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जो है हमें इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और फिर भी अगर हम साधक हैं तो दोनों तरफा से हेल्थ के लिए और फिर जो साधना के लिए, साधना के संदर्भ में फूड क्या हमारे लिए क्या मायना रख सकता है वो हमें देखना चाहिए। तो फूड जो है वो तीन प्रकार के हैं, क्योंकि हमारे बॉडी जो है वो तीन प्रकार के, जो तावरिया जी के सिस्टम में वो लोग जानते हैं कि तीन प्रकार के बॉडी तावरिया जी ने बताए हैं। जैसे कि ये पहला हमारा स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है। दूसरा जो है हमारा सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी, या जिसको मॉलिक्यूलर बॉडी भी कह सकते हैं। पहला है सेल्यूलर, दूसरा है मॉलिक्यूलर, और तीसरा है जो मेंटल बॉडी या इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, जिसको अति सूक्ष्म या बीजाणुमय शरीर कह सकते हैं हम। और इसके तीनों के अलग अलग फूड है। तो स्थूल शरीर का तो हम जानते हैं, जो हम स्थूल खुराक खाते हैं, रोटी सब्जी वगैरह, तो वो फिजिकल बॉडी के लिए है। दूसरा जो है वो सूक्ष्म शरीर जो है वो, और फिजिकल बॉडी में एक दूसरा भी फूड है। मेन तो फिजिकल फूड ही है, पर हम श्वास जो लेते हैं वो फिजिकल भी जरूरी है और एस्ट्रल के लेवल पर भी श्वास की जरूरत है, क्योंकि श्वास के साथ हम प्राण लेते हैं अंदर। तो श्वास जो है वो फेफड़ों के लिए, मतलब ब्लड के लिए, फिजिकल के लिए जरूरी है, वो भी एक टाइप का फूड ही है। और तीसरा जो है वो, और उसको जो एयर फूड है वो, दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर भी वो काम करता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्राण है, तो प्राण जो है वो एस्ट्रल में चला जाता है। फिजिकल में श्वास जाता है, एस्ट्रल में प्राण जाता है। इसलिए स्थूल शरीर के साथ में स्थूल खुराक, और ये एयर फूड जिसको कहते हैं श्वास का खुराक, और इस तरह एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर ये देखा हमें श्वास का खुराक तो ये है ही, प्राण का खुराक मतलब उसके साथ में इम्प्रेशन जो है वो सब इम्प्रेशन भी हमारे अंदर आती है, जो हम आँख से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये सब जो है वो इम्प्रेशन से। और इम्प्रेशन जो हमारे अंदर आती है पांचों इंद्रिय से, वो हमारे एस्ट्रल के अंदर जाती है। एस्ट्रल में प्रोसेस होके फिर ब्रेन में जाती है और हमें सब कुछ पता चलता है। तो इम्प्रेशन फूड हम कह सकते हैं कि एस्ट्रल बॉडी का फूड है। तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का फूड, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के बारे में तावरिया जी ने बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, और उसका फूड के बारे में भी कुछ खास कोई लिखा ही नहीं है, पर हम ये ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जो इम्पल्स अंदर आ रहा है बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, 30,000 इम्पल्सिस आते हैं, और इसमें से 120 जो है वो ब्रेन में जाते हैं जिसके विचार बनते हैं। तो जो 30,000 जो आते हैं उसमें से कुछ जो इम्पल्स है वो इम्पल्स के ऊपर जो काम होता है वो मेंटल बॉडी के अंदर काम होता है। दूसरी बात ये है कि जो हम रिदम की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो रिदम की प्रैक्टिस है वो एस्ट्रल की रिदम की प्रैक्टिस है, पर मेंटल बॉडी की रिदम अलग है, वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि जो मेंटल बॉडी के ऊपर जो पहुंचा हुआ होता है उसको ही पता होता है, वो अलग रिदम उसकी होती है। पर ये जो श्वास की हम रिदम ले रहे हैं वो एस्ट्रल बॉडी की रिदम है। तो ये जो है इम्पल्स जो है वो इसका, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का कुछ इसमें से फूड बन सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ। अब हम तावरिया की सिस्टम में जो जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि तावरिया जी शाम को 4 बजे के बाद खाने की मनाही करते थे। तो बहुत सारे नए लोगों को थोड़ा ये समझ में नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे, शाम को चलो कम खाओ, थोड़ा जल्दी खाओ, ये सब समझ में आता है, पर 4 बजे के
दौरान 4 बजे से पहले ही खा लेना, ऐसा क्यों? तो उसके कुछ कारण जो है वो पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इसके ऊपर जो इनर डिसिप्लिन के अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर 11, वो पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा डिटेल में तावड़िया जी बताते हैं। पर यहाँ शॉर्ट में उसका जो कंडेंस, उसका जो सार है वो मैं बता देता हूँ, ताकि आप मैं आगे आसानी से समझ सके। तो 4 बजे के बाद नहीं खाने का पहला कारण ये है कि अगर आप हम शाम को लेट खाते हैं तो एक्चुअली जो हमारा डाइजेशन है वो सूर्य की हाजिरी में ही कंप्लीट डाइजेशन हो सकता है। जैसे जैसे सूर्य ढलने लगता है और रात जब होती है, तब तो डाइजेशन जो हमारा नॉर्मल डाइजेशन का 20% ही डाइजेस्ट होता है। तो जो रात को खाते हैं, तो पहला रीज़न तो है कि कोई फ़ायदा खास नहीं है, क्योंकि आप जो खाते हैं उसका डाइजेशन 20% ही हो जाएगा। जो दिन में आप खाते हैं उसमें जो सूर्य की हाजिरी में, वो क्योंकि पाचन के जो एंजाइम्स वगैरह उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव है, तो उसके कारण दिन में जल्दी पच जाता है, पर रात को आप लेट खाते हैं तो 20% ही आपका डाइजेशन होगा होता है, इसीलिए उसका कोई खास फायदा नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि जो सूर्यास्त होता है उससे 2 घंटे पहले के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग माने वो गर्मी के बात अलग है, गर्मी तो दिन में ज़्यादा होती है, पर ये वाइब्रेशन की बात है। तो कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले 2 घंटे के वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ इस प्रकार के होते हैं कि उस समय खाना खाने से सूर्यास्त से पहले और उस समय, तो वो नुकसान कारक है। इसीलिए भी कहा जाता है कि भाई 4 बजे, मतलब मानो कि 6 बजे के आसपास सूर्यास्त होता है, तो 2 घंटा पकड़ लो उससे पहले का, तो 4 बजे के बाद हमें नहीं खाना है, क्योंकि उसके बाद के कुछ सूर्य के वाइब्रेशन से वो कुछ बदल जाते हैं, जो हमें जो हमारे डाइजेशन है उसको वो भी नुकसान करेगा, तो वो उस समय खाने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा कारण ये है कि आजकल तो ये लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब ज़्यादातर ऑफिस में बैठे बैठे ही काम करना होता है, दिमाग का काम ज़्यादा है, तो रात को खाने से एक देखा गया है कि उससे फैट बढ़ती है, ओबेसिटी, तो व्यक्ति ज़्यादा ज़्यादा स्थूल हो जाती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए भी रात को खाना कोई फायदा कारक नहीं है और इससे वजन बढ़ जाता है। तो जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उनको तो खास संभालना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, उससे और वजन बढ़ सकता है। अब एक दूसरा एक समझने की बात यह है कि डाइजेशन के भी कुछ टाइमिंग है, मतलब हमारा बॉडी के अंदर जो कुछ कामगिरी है वो 3 हिस्सों में, 3 प्रकार के जो प्राण है उसके अंदर वो आती है, और इसके हिसाब से हमारा ये सब तंत्र चल रहा है। शायद आपने नाम तो सुना होगा, प्राण अपान समान, ये 3 प्रकार के प्राण हैं। उसमें से जो समान वायु जो है उसका काम पाचन का है, और हर एक का 8-8 घंटा है, जैसे कि ये तीनों की 8-8 घंटे की ड्यूटी समझ लो, तो समान वायु जो है वो दोपहर 12 से रात को 8 बजे तक का उसका समय है बॉडी के अंदर, और उससे उसमें भी जो दोपहर का समय है वो जब हम खाते हैं तो उसमें वो समान वायु के द्वारा अच्छी तरह पाचन होता है। तो आपने सुना होगा गीता के अंदर भी एक श्लोक है, अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणा अपान समायुक्त पचाम्यहम चतुर्विदम। तो प्राण और अपान ये दोनों मिलके जब ये समान वायु जब बनता है, समान, तो समान वायु वो पाचन का काम करता है, इसीलिए पहले से ये श्लोक जो है वो भोजन से पहले बोलने की प्रथा थी हमारे यहाँ। तो समान वायु का काम 12 से 8 का है, और उसी दौरान, मतलब शाम का टाइम छोड़ के उससे पहले का समय है, उसके अंदर ही हमें भोजन कर लेना चाहिए। दूसरा जो है प्राण, उसका काम है रात को 8 से सुबह 4 बजे तक। पहले का 12 से 8 था, अभी प्राण समान का काम खत्म हो गया, प्राण का चालू होता है, वो 8 से 4 बजे का काम है। तो वो जो है प्राण का काम क्या है कि अंदर
सब जो रात को जो हम सोते हैं उस दौरान जो रिपेयरिंग होता है, जो सेल्स जो है उसको नया बनाने का, फिर जो खाया है उसका एसिमिलेशन वगैरह, जो अंदर की जो प्रोसेस है वो प्राण के द्वारा होती है। तो रात को जब प्राण काम करता है उस दौरान बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उस समय अंदर कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा है, और रिपेयरिंग के दौरान खाना वो ओवरलैप हो जाता है, रात को लेट से खाते हैं तो वो फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा होता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो सिस्टम अच्छी तरह काम करनी चाहिए वो सिस्टम के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और सुबह का समय जो है वो सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक का है, वो अपान वायु का है, और अपान वायु का काम है एक्सक्रीशन का, मतलब शरीर का जो कचरा है उसको बाहर फेंकने का है। तो हम सुबह में अर्ली मॉर्निंग जो हमारा जो सब सुबह की जो क्रियाएं हम करते हैं, स्नान से लेके शौच वगैरह, तो वो सब क्रिया सुबह में प्रकृति का द्वारा ऐसा एक उसकी अरेंजमेंट ही इस तरह की है कि ये सब सुबह में होता है, क्योंकि उस दौरान अपान काम कर रहा है, और अपान जो है वो शरीर में से इस तरह का कचरा को धक्का मार के बाहर फेंक देता है। तो उस दौरान भी खाना खाना अच्छा नहीं है, मतलब नाश्ता करते हैं अगर आप तो थोड़ा लेट करो, लोग बहुत जल्दी सुबह में नाश्ता कर लेते तो वो ठीक नहीं है। योग के अंदर तो आगे जाके हम देखेंगे कि दिन में एक बार खाने की बात आती है, पर फिर भी जो लोग नाश्ता करते हैं तो थोड़ा लेट करना चाहिए और हल्का एकदम नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान हम 8-9 बजे भी जब नाश्ता करते हैं उस दौरान भी अपान वायु का काम चालू है, तो उस दौरान अगर जितना खुराक अंदर कम जा सके वो अच्छा है, और फिर भी अगर कुछ खाना है जल्दी तो फ्रूट आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं ताकि उसका जल्दी से डाइजेशन हो जाए। तो ये तीन प्राण और इसका टाइमिंग खास याद रखना, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो हमारी सिस्टम है उसकी कामगिरी ये तीनों के ऊपर होती है, प्राण अपान समान, और उसकी टाइमिंग हमें खास फॉलो करना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि जो लोग योग की एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे फेस करना चाहते हैं, गायत्री करना चाहते हैं और कोई, तो उस समय इसके लिए रात को खाना अगर नहीं खाया है तो आपकी सुबह में ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। जितना आप हम ज़्यादा खाते हैं उतना बॉडी के अंदर जो आलस प्रमाद जो है वो बढ़ जाता है, तो जो स्फूर्ति शरीर में रहनी चाहिए, एनर्जी का जो सर्कुलेशन रहना चाहिए, और जिस तरह हमारी प्रैक्टिस आगे करनी है, अभी आप रिफाइनिंग करते हैं रात को खाते हैं, धीरे धीरे सुबह में रिफाइनिंग करते हैं, तो वो जो उसकी सफाई वगैरह में ही वो रिफाइनिंग तो चली जाती है, तो इवोल्यूशन के लिए ये रिफाइनिंग का योग का कोई फायदा हमें मिलता नहीं है। अगर टाइमिंग हम उसको ये करेंगे तो क्या होगा कि एनर्जी नई एनर्जी जनरेट होगी, और उससे द्वारा हमें इवोल्यूशन के अंदर हमें जाने का मौका मिलेगा। अब तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब साफ सुफी में ही चली जाती है, तो एक आदमी पैसा खर्चता है और फिर इधर उधर पैसा खर्च हो जाता है कमाने के बाद, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह हमें ये सोचनी चाहिए, तो जिसको एडवांस प्रैक्टिस करनी है आगे जाके या अभी भी कर रहे हैं, तो खास एक दूसरी बात भी देखिए कि शुरुआत में लोग जो है वो थोड़े स्ट्रिक्टली ये सब फॉलो करते हैं, फिर जैसे पुराने होते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ी दिल चालू हो जाती है। जैसे कि हम पहले देखते थे हमारी शिविर है जो होती थी वो 95 से 2000 तक में जो सब लोग आते थे वो स्ट्रिक्टली रात का खाना नहीं खाते थे, बहुत कम लोग खाते थे शिविर के अंदर। फिर 2000 के बाद वो लोग पुराने हो गए तो थोड़ा थोड़ा रात को, और फिर देखते हैं कौन सी जरा आज अच्छी डिश बनी है तो चलो खा लो, तो इस तरह की थोड़ी छुटछाट लेने लगते हैं, वो सही नहीं है। एक बार आप खाने के ऊपर आपका एक आ जाता है कि भाई मुझे शाम को नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ये एक स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना जरूरी है। पर पुराने लोग होते हैं तो पुराने लोग का एक जैसे राइट बन जाता है कि अभी छुटछाट ले लो चलेगा, तो ये ठीक नहीं है, ये खास समझना है। और भोजन जो हमें शाम का भोजन बंद करना है अगर, तो बहुत धीरे धीरे बंद करना है। एक तो पहले समय जो है जितना लेट खाते हैं तो जल्दी करो, जितना मतलब 8-9 बजे खाते हो तो 7 बजे पर आ जाओ, 7 बजे खाते हो तो 6 बजे पर आ जाओ, इस तरह समय को जल्दी करो, और खाने का जो
क्वांटिटी है उसको कम करते जाओ। तो ये दो चीज करने पर धीरे 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 उसके ऊपर हम फिर शाम का खाना बंद कर सकते हैं। तो एकदम से शुरुआत से ये नहीं करना है, बॉडी को जब बॉडी का टाइम क्लॉक है उसको सेट होने देना है। तो धीरे धीरे करके हम शाम का खाना छोड़ सकते हैं। और तावरिया जी ने उसकी मेथड और एक टेबल भी दिया हुआ है इनर डिसिप्लिन में, वो आप देख सकते हैं। अभी कोई कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को डायबिटीज होता है तो बोलते हैं कि भाई हमको तो शाम को खाना डॉक्टर ने बोला है कि 3 बार खाओ करके। तो ठीक है, डायबिटीज होता है तो थोड़ा को उसको मैनेज करना तो जरूरी होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए रात को फिर पेट भर के खाओ। आप थोड़ा एकदम लाइट या फिर फ्रूट भी खा लोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और कई बार तो कॉफी वगैरह पीने से भी जो वो बैलेंस में आ जाती है, शुगर जो है वो मैनेज हो जाती है। पर क्योंकि डॉक्टर के नाम पर फिर हम ये सब चालू ही रखते हैं कि डॉक्टर ने कहा है खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो इस तरह फिर हम चालू रखते हैं। तो डायबिटीज को अगर आपको मिटाना है तो शाम को खाते रहोगे तो खाली मैनेज होगी आपकी शुगर, उसको उससे आप मुक्त नहीं पाओ कर पाओगे। तो उसके लिए तो आपको धीरे धीरे करके शाम का खाना छोड़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आप डायबिटीज भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। अब कुछ चीज ऐसी है कि हम जब खाना खाते हैं उस दौरान याद रखनी चाहिए। ये 4 बजे के पहले की बात तो हमने कर ली। अब जब भोजन कर रहे हैं, मानो कि दोपहर का हम लंच ले रहे हैं, तो क्या करना चाहिए इसके एक पहली बात ये है कि खाना खाने के लिए जब बैठते हैं तो एकदम जैसे ही थाली हाथ में आई और बस खाने के लिए टूट पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि पहले जरा मन को शांत करो। इस तरह मैंने कहा, इस तरह पहले के जमाने में तो प्रार्थना करते थे ताकि हमारा एक अटेंशन जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए खाने से पहले, और फिर खाने की शुरुआत करती थी। और हर धर्म के अंदर क्रिश्चियनिटी वगैरह में भी ये एक प्रेयर होती है कि खाने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करने का एक ग्रेटिट्यूड का भाव जो है वो आना चाहिए। तो खाने से पहले कई कुछ नहीं तो ये कम से कम एक विचार तो आ जाना चाहिए कि थैंक यू गॉड, इतना तो हम मन में बोल सकते हैं कि भाई आज का भोजन मुझे नसीब हुआ। तो इतना तो एक खास करना चाहिए हर व्यक्ति को कि एक धन्यवाद, एक अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव आना चाहिए खाने से पहले। दूसरी बात ये है कि जब खाना खाते तो आप हो सके इतना मौन में खाना खाओ, मतलब बातें कम करो और एकदम शांति से खाना खाने का ये करो। और उसके आगे हम देखेंगे कि उसके अंदर हम करेक्टिव भी कर सकते हैं, पर खाने के दौरान जो है उसको ज्यादा चबाओ मत। एक मजे की बात ये है कि तावरिया जी ऐसे कहते थे कि भाई ज्यादा चबाओ मत। हालांकि हम स्कूल में तो सीखते थे कि भाई हमारे 32 दांत है तो 32 बार चबाना चाहिए, पर तावरिया जी थोड़ा उल्टा कहते थे कि अगर आप ज्यादा चबा चबा के खाओगे तो फिर आपके ओल्ड एज के अंदर फिर जो जो आप हमारे जो इंटेस्टाइन आंत वगैरह है उसको काम करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा काम छोड़ दो। एकदम आप चबा चबा के एकदम आसान कर दोगे तो फिर जो हमारे इंटेस्टाइन है वो फिर क्या काम करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा काम छोड़ दो। इसलिए बहुत चबाओ मत, मतलब थोड़ा एकदम अंदर ये हो जाए लिक्विड जैसा की तरह तो उसको उतार दो। ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ओल्ड एज के अंदर फिर पाचन के अंदर मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए एक ये भी पॉइंट है कि आप खाते समय मौन रखो और जो है जितना चबाना जरूरी है इतना चबा के उसको निगल लो। खाने के समय खास एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई गंभीर डिस्कशन या कोई उग्रता वाली बात या कोई गुस्सा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम खाना खाते उस दौरान हमारा मणिपुर चक्र एकदम एक्टिव हो जाता है कि जिसके अंदर एनिमल सेल्स अंदर पड़े हुए हैं। तो जैसे हमारे अंदर का जो पशु है वही खाना खाने अभी आ गया है, ऐसी एक अंदर की हालत हो जाती है। इस तरह आप देखेंगे कई लोग खाना खाते तो इस तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद मोरसल्स खाते थोक जैसे अंदर भर भर के अंदर मुंह में डालते हैं, इस तरह इतनी जल्दी जल्दी खाते हैं। तो एक जैसे पशु अंदर का जाग जाता है ना, इसी तरह होता है। तो वो बहुत ऐसा टाइम है
कि उसके दौरान अगर आपने कोई भी गलत चीज को ये कर दिया, अगर वो हुआ तो वो सब अंदर फिड हो जाएगा। इसीलिए बात बहुत जरूरी है कि कोई गंभीर डिस्कशन ना करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करना है तो खाना खाने के बाद बात करो, उस दौरान नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर ही ये सब सारी बातें करने का एक फैमिली में एक रिवाज होता है। इसने आज ऐसा किया, बच्चों ने स्टडी नहीं की, उसमें ऐसा हुआ, काम वाली बाई नहीं आई, ये सब बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक तो हमारा अंदर का जो पशु जागृत है वो ये सब सारी गलत चीजें अंदर ले लेगा, और वो उसको जो हमारे जो ये एनिमलिक संस्कार है उसको और स्ट्रांग बना देगा। इसलिए खास जरूरी है। और इस तरह कई लोग टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं। ज्यादातर लोग आज को तो शाम का रात का खाना तो ज्यादातर लोग टीवी के सामने ही देख के खाते, वो भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि टीवी के अंदर क्या क्या जो जो आता है वो टीवी का फूड जो है वो साइकोलॉजिकल फूड बन जाएगा और वो मणिपुर चक्र ले लेगा। तो खाने के दौरान कम से कम एकदम शांति होनी चाहिए, और कोई चीज अंदर एक्स्ट्रा चीज अंदर फीड न हो जाए उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। फिर तावरिया जी ने बताया है कि करेक्टिव मेथड, जैसे करेक्टिव एक्सरसाइज है और करेक्टिव मेथड भी है, तो उन्होंने एक खास बताया कि जब आप खाना खाते हैं उस दौरान करेक्टिव मेथड करनी चाहिए। मतलब आपकी कोई अगर वीकनेस है तो वीकनेस के को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा आप सूत्र बना सकते हैं, या जो आपकी वीकनेस है उसके ऊपर विचार कर सकते हैं खाना खाते समय, ताकि जो हमारे एनिमलिक सेल्स जागे हुए हैं उसके अंदर हम एक अच्छी चीज दे देते हैं तो वो अच्छी चीज अंदर जाएगी, तो वो एनिमल सेल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगी, या फिर हमारी जो वीकनेस है उसके ऊपर भी काम करने के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगी। तो खाना खाते समय मौन रखें, और जो कोई आपकी वीकनेस है उसका कोई सूत्र बना के उसके ऊपर चिंतन करते करते खाइए, तो आपकी वीकनेस बहुत जल्दी निकल जाएगी। जैसे कि फियर है आपके अंदर, या कोई और कोई वीकनेस है, डाउट्स बहुत रहते हैं, या और भी कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आप करेक्टिव मेथड जरूर कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट है तो खाते समय और कुछ नहीं है तो गायत्री मंत्र का भी अंदर ये कर सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अंदर कोई ये करने की जरूरत नहीं, और कोई वीकनेस के ऊपर काम की कोई खास जरूरत नहीं है, तो गायत्री मंत्र भी हम खाते समय बोल सकते हैं मन के अंदर। क्योंकि देखो, जो हम अन्न अन्न लेते हैं वो उसका ओरिजिन है सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है सूर्य की शक्ति पृथ्वी को मिलती है और पृथ्वी अन्न पकाती है, और अन्न जो है हम भोजन में उस अन्न को लेते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में हम सूर्य की शक्ति ही हमारे अंदर लेते हैं, जिसको भर्ग कहते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। तो भर्ग है वो एक खाने का है, एक और फिजिकल फूड है, उसको भी भर्ग कह सकते हैं। तो वो जो है वो गायत्री मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम और कुछ नहीं तो खाते समय मन के अंदर गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स मुझे रीडिंग से पहले कहने थे, वो डिस्कस कर लिए। कोई प्रश्न होगा तो बाद में देखेंगे। हालांकि आज थोड़ा चैप्टर लंबा है तो प्रश्न की आज गुंजाइश नहीं रहेगी, नेक्स्ट टाइम हम प्रश्न देखेंगे। पर अभी इनर डिसिप्लिन में चैप्टर 11 जो है उसमें पेज नंबर 60 है, वहाँ से हम थोड़ा रीड करेंगे। उसके पहले का पार्ट है वो हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो फूड के बारे में नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं बीच में से। थ्री वेज इन विच कोडेड इम्पल्सिस फ्रॉम आउटसाइड एंटर अवर बॉडी ब्रेन सिस्टम एंड रीच द ग्रे मैटर टू बी डिकोडेड। तो अब जो फूड तीन प्रकार के हैं, और तीन प्रकार के फूड जो है उसका वो कोडेड फॉर्म के हमारे अंदर आते हैं, तो और इसका फिर डिकोड होता है। तो तीन प्रकार के फूड हमने आगे देखे हैं, या फिर तावरिया जी बताते हैं। नंबर 1 फूड एंड ड्रिंक, नंबर 2 ब्रीदिंग, नंबर 3 सेंसेशंस ऑफ साउंड टच साइट एंड स्मेल। तो पहले फिजिकल बॉडी का हमने फिजिकल फूड देखा, जो हम खाते हैं रोटी सब्जी वगैरह, फूड और ड्रिंक।
तो वो हमारे फिजिकल बॉडी के लिए वो देखा है, फिर ब्रीदिंग श्वास का भी हमने देखा है, एयर फूड, और तीसरा जो हम इम्प्रेशन फूड की बात करते थे वो ये तीसरा है, जो पांच इंद्रियों द्वारा हमारे अंदर जो इम्पल्सिस आते हैं और अंदर जाके जो इम्प्रेशंस क्रिएट करते हैं वो तीसरा फूड है। अब देखने वाली बात ये है कि फूड को भी उन्होंने ये कहा है कि ये एक इम्पल्स है और इम्पल्स का डिकोड होता है। अब वो कैसे, ये थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि हम तो फूड खाते हैं वो तो फिजिकल खाते हैं और मुंह में खाते हैं, और इम्पल्स जो आता है वो तो अंदर आता है, अलग बात। तो उसको इस तरह ये समझना है कि जो फूड फिजिकल फूड खाते हैं उसकी दो प्रोसेस होती है, एक तो फिजिकल फूड मुंह में जाता है और इसकी आगे की जो फिजिकल प्रोसेस जो है डाइजेशन वगैरह की वो तो है, पर जैसे ही आप फूड मुंह में डालते हैं तो इसके साथ में आपकी अंदर की जो ये जो है सेंस है, कौन सी सेंस, जिसको हम स्वादेंद्रिय कहते हैं, टेस्ट, तो टेस्ट का जो है वो स्वादेंद्रिय भी काम करने लगती है। तो मतलब कि ये एक इंद्रिय तो हो गई, तो जो कोड जो कोडेड फॉर्म में फूड जो है हम मान लेते हैं अंदर, तो फिजिकल फूड में तो फिजिकल बॉडी में तो काम करेगा ही, पर क्योंकि टेस्ट इसके अंदर है तो वो एस्ट्रल के अंदर जाएगा। इससे हमें पता चलता है ये नमक वाला है या मीठा है या कैसा है वगैरह वगैरह। तो वो इम्पल्स है और वो इम्पल्स अंदर डिकोड होता है, उसके बाद में पता चलता है कि भाई इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो है ये तीनों, चाहे फिजिकल फूड हो फिर भी वो भी उसका भी एक अंदर इम्पल्स बन जाता है। इसी तरह ब्रीदिंग है, तो ब्रीदिंग तो हम श्वास तो नाक से लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें इम्पल्स कहाँ से आ गया। तो भाई नाक से श्वास तो लेते हैं ठीक है, पर इसके भी हमें स्मेल आती है, उसके यहाँ अंदर नाक के अंदर उसका टच होता है, श्वास ठंडा है गर्म है, ये सब कुछ हमें पता चलता है। तो सीधी सी बात है कि वहां भी कोई इम्पल्स काम कर रहा है, और इम्पल्स काम कर रहा है इसीलिए तो ये जो सूंघने की जो क्रिया है वो संभवित बनती है। तो यहाँ भी जो पांच इंद्रिय है उसमें से एक इंद्रिय काम कर रही है, मतलब इसका कोडेड इम्पल्स आता है, डिकोड होता है, इसी द्वारा तो हम जो है वो ब्रीदिंग का हमें परिचय होता है कि हमारा ब्रीदिंग कैसा चल रहा है। और तीसरा तो है ही, पांचों इंद्रिय द्वारा जो नाक कान नाक आँख कान नाक वगैरह से जो हम पांच इंद्रियों से जो संवेदना लेते हैं, तो वो तो इंद्रिय का ही काम है, वो तो हम समझते हैं। तो इन शॉर्ट तीन प्रकार के फूड यहाँ तवरिया जी ने बताया है, फूड एंड ड्रिंक, ब्रीदिंग एंड सेंसेशन, पांच इंद्रिय। एमोंग दिस थ्री देर आर द फाइव ह्यूमन फिजिकल सेंसेस मेड यूज ऑफ। तो ये तीनों प्रकार के फूड है, उसमें से हमारी जो पांच इंद्रिया जो है वो उसे काम करती है। हम जानते हैं ना कि आंख से, ये आंख की जो है वो देखने की जो है दृष्टि है, कान से सुनने की जो है, ये पांचों इंद्रिय है उसकी जो सेंसेस है वो काम करती है ये तीनों फूडों के अंदर। ऑल आवर थिंकिंग अराइजेस आउट ऑफ दिस प्ले ऑफ इनकमिंग कोडेड इम्पल्सिस एंड आउटगोइंग डिकोडेड थॉट इन इट्स प्योर मोटिव स्टेट। तो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी इसी प्ले के अंदर आती है, ये जो इम्पल्सिस अंदर जो आते हैं, चाहे वो किसी के द्वारा भी आया है, फूड के द्वारा आया है या ब्रीदिंग के द्वारा आया है या फिर सेंसेस के द्वारा, वो किसी तरह भी अगर एक कोड ये अंदर एक कोडेड इम्पल्स आ गया तो उसके द्वारा हमारे अंदर थिंकिंग की प्रक्रिया भी चलती रहती है, और वो डिकोड होते होके फिर आज्ञा चक्र से विचार बन के यहाँ से बाहर निकल जाता है। और इसको हमेशा कहते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि हर समय ये तवरिया जी एक शब्द यूज करते हैं, प्योर मोटिव स्टेट। तो आपको प्रश्न है उसमें क्या भाई, मोटिव क्या है और प्योर मोटिव क्या है? तो जो कोडेड चीज है जब वो डिकोड बनती है, वो डिकोड की प्रक्रिया ही प्योर मोटिव स्टेट है, उसका उसका मोटिव ही ये है, जो कोडेड अंदर आया उसको डिकोड करना, वही इसका मोटिव है, इसीलिए इसको प्योर मोटिव स्टेट कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि कई जगह पर आप पढ़ोगे तो बार बार ये शब्द आएगा, प्योर मोटिव स्टेट, प्योर मोटिव स्टेट। तो प्योर मोटिव स्टेट मतलब क्या है कि कोडेड प्रोसेस जब डिकोड होती है वो प्रक्रिया जो है उसको प्योर मोटिव स्टेट कहते हैं, ऐसा उन्होंने इनर डिसिप्लिन पार्ट 2 के अंदर लिखा है।
स्लीप एंड सेक्स आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस एक्शन एंड रिएक्शन, सो दैट व्हेन द रिएक्शन रीचेज सर्टेन इंटेंसिटी द रिजल्ट इज सेक्स, एंड व्हेन इट रीचेज द एप्टाइड और द एग्जैक्ट रिवर्स द रिजल्ट इज स्लीप। तो अभी ये जो हमारे अंदर जो खाना खाया वगैरह जो है, या पांच इंद्रिय से जो भी कुछ होता है फिजिकल बॉडी में, ये फूड और अंदर के बॉडी के अंदर के फूड, इससे क्या बनता है? स्लीप और सेक्स की क्रिया। तो स्लीप जैसे ये फिजिकल बॉडी है, उसके बाद में हम जो खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी आती है, पर जैसे जैसे एनर्जी घटती जाती है, दिन ढलता है और एनर्जी कम होती है, जब शरीर थकता है तो हमें स्लीप आती है, और एनर्जी जब बढ़ जाती है तब सेक्स की एक इच्छा होती है या सेक्स की क्रिया के अंदर आदमी जाता है, उसमें एनर्जी का लेवल अप होता है, और जब स्लीप आती है तब एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है। इसलिए यहाँ उन्होंने एब और टाइड का उल्लेख किया है, और जैसे कि भर्ती होता आती है ज्वारा भाटा, इस तरह ये हमारी एनर्जी भी अप डाउन होती है, और ये सब होता है, ये जो हमारे अंदर इम्पल्स आती है और हम जो खाना खाते हैं इसकी वजह से जो एनर्जी बनती है उसके ऊपर ये सब है। अवर स्टडी देयरफॉर इज इन द फर्स्ट स्टेज शुड बी अराउंड दिस थ्री फैक्टर्स। तो इन तीन के ऊपर वो बात करना चाहते हैं, और पहला वो बात करते हैं फूड एंड ड्रिंक के ऊपर। नंबर वन, फूड एंड ड्रिंक। टू बिगिन विथ, लेट देयर बी नो फेयर्स अबाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। That vegetarian food could be better than non-vegetarian and vice versa, for it is not the food we eat, but how and in what particular manner we eat that makes the difference. यहाँ बहुत एक बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात उन्होंने बताई है कि एक पहली बात तो ये बताई है कि भाई इसके बारे में कोई हमारे अंदर कुछ खाना कौन सा होना चाहिए, वो तो अलग अपना धर्म या अपने संस्कार के ऊपर है, वो तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, पर कोई अच्छा है और कोई बुरा है इसका हमें जजमेंट करना नहीं है, और उसकी कोई एक धुन जैसे फेद का है तो कोई इसकी सनक न होनी चाहिए, उसकी धुन न होनी चाहिए, या उसका लाइक डिसलाइक न होना चाहिए। कई लोगों के अंदर नॉन वेज के प्रति बहुत एक डिसलाइक होता है, वो डिसलाइक हमारे लिए नुकसानकारक है, उसको तो कुछ नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। हर व्यक्ति अपने संस्कार धर्म के हिसाब से जो जिसको जो करना है वो कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि खाली वेजिटेरियन फूड ही सुपीरियर है या नॉन वेज खराब है, या ऐसा भी नहीं है कि नॉन वेज अच्छा है या वेजिटेरियन खराब है। सब सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबके फायदे है नुकसान है, सब कुछ है, वो अलग विषय है, उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते। पर एक साधक के रूप में हमारा कर्तव्य ये है कि हमें न्यूट्रल रहना है, जिसको जो करना है वो करे, हमें क्या करना है, हमारा संस्कार क्या है और हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम को क्या जरूरी लगता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या अच्छी तरह डाइजेस्ट हो सकता है, इसके मुताबिक हमें ये करना है। दूसरी बात इन्होंने ये की है कि आप क्या खाते हैं वो नहीं, पर किस मैनर में खाते हैं वो इम्पोर्टेंट बात है। मतलब क्या हुआ इसका कि आप खाना तो आपका बहुत अच्छी तरह है, आपका पकाया हुआ है अच्छी तरह का आप ये है, पर अगर इसकी टाइमिंग गलत है, आप खाते उस दौरान आपकी मेंटालिटी गलत है, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई खाते समय दिमाग एकदम शांत होना चाहिए, शांति से मौन से खाना चाहिए, और अभी आप अच्छा सा फूड खा रहे हो, हाई क्वालिटी का फूड है, एकदम अच्छा है बढ़िया है सब कुछ है, पर दिमाग आपका गर्म है और आप खाना खा रहे हो, किसी के साथ ये चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, या बोले बोला चाली चल रही है, उस दौरान आप खाना ये खा रहे हो, तो वो चाहे कितना भी अच्छा फूड हो उसका कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए यहाँ इन्होंने कहा है कि बट हाउ एंड इन व्हाट पर्टिकुलर मैनर वी ईट दैट मेक्स द डिफरेंस। तो खाने का आप किस तरह खाते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है खाने के बारे में, जैसे आप प्रेयर करते हैं शांति से खाना खाते हैं कि आपके अंदर कोई उग्रता है, आपके अंदर जल्दबाजी है, कई लोग आजकल तो ऑफिस की एक जल्दबाजी होती है तो खाना भी इस तरह खाते हैं जल्दबाजी के अंदर, तो ये खाली पेट भरने की बात है, पर पेट भरना नहीं है, उसके साथ में हमें साइकोलॉजिकल भी कुछ फूड के अंदर से मिल सकता है वो समझना है, एक सेटिस्फेक्शन वगैरह। फिर आगे उन्होंने मोहम्मद साहब का एक कोटेशन ये किया है यहाँ, किल नॉट योर हार्ट विथ एक्सेस ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग।
हमारे हृदय को, हृदय मतलब हमारे भावनाओं को, हमारे भावनाओं को ज्यादा खाने से और ज्यादा पीने से उसको किल मत करो, उसको नुकसान मत करो, हमारे भावनाओं को मार मत डालो। तो ये एक मोहम्मद सर का कोटेशन है। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारा भी अनुभव है कि भाई ज्यादा हम एक्सेस कभी भी खाना खा लेते हैं या एक्सेस ड्रिंक कुछ भी होता है तो एक शरीर के अंदर जो है वो नॉर्मल सी नहीं रहती है, कभी कभी और तो बेचैनी सी आ जाती है, बेचैनी सी नहीं आती है तो एक नींद सा आता है, ड्राउजीनेस आने लगती है। तो एक्सेस फूड कभी भी, या दोपहर का भी खाते हैं रात का खाते, कभी भी एक्सेस फूड नहीं हो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिसको बॉडी को जरूरी है इतना ही हमें हमेशा भोजन करना चाहिए। द फूड शुड बी सिंपल एंड नेवर रिच, खाना एकदम रिच नहीं होना चाहिए, मतलब घी तेल वाला और एकदम जिसको बहुत मसाला डाला है, ड्राई फ्रूट डाला है, इस तरह का रिच फूड खाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फूड होना चाहिए। वन कोर्स इज बेटर देन मैनी, तो दिन में एक बार खाना बहुत अच्छा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कई बार डॉक्टर और मॉडर्न साइंस के अंदर भी हमें एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाती है। बीच में एक बात आती थी कुछ साल पहले, डॉक्टर लोग अगर कहते थे साइंस में भी कि भाई एक बार में पेट भर के खाने से बदले दिन में 4-5 बार थोड़ा थोड़ा खाओ, तो ये जो है वो थोड़ी साइंस अपने ढंग से कहता है, उसकी जो भी होगा वो उसका सोचने का, पर हकीकत में वो ठीक बात नहीं है। ये तो शरीर को बार 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 एक हम कुछ अंदर डालते हैं, घंटी जैसे कि चालू रखती है, थोड़ा डाला और 2 घंटा गए, फिर विचार आएगा अभी मैं क्या खाऊं, 2 घंटा जाएगा और उसके बाद मेरा अभी थोड़ा मैं और कुछ खा लूं, तो ये एक मेंटली एक गलत एटीट्यूड अंदर बन जाता है और फिजिकली भी गलत है और मेंटली भी गलत है। तो कई बार साइंस हमें कई बार तो जैसे कि गलत हमें सूचन करते हैं, गलत हमारे अंदर ये करते हैं। तो ये हमें एक विवेक होना चाहिए। और योग के बारे में तो बात ही एक चीज क्लियर है कि अगर दिन में एक बार खाना होता है तो वो सबसे अच्छा है योगा प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए कहा है कि वंस कोर्स इज बेटर देन मेनी। डू नॉट बिगिन लाइक ए हंग्री लायन बट विथ ग्रेटिट्यूड दैट वी हैव बीन गिवन ए चांस टू लिव दिस ह्यूमन लाइफ एज ए स्टेप स्टोन टू ए मच हायर लाइफ। तो ये भी बात हम आगे कर चुके हैं कि भाई एकदम खाने के ऊपर टूट मत पड़ो, शांति से एक प्रार्थना के रूप में या एक भगवान का आभार मानो, ग्रेटिट्यूड, और एक ये विचार आना चाहिए कि ये खाना जो है मुझे आगे की जो ये है आगे का उच्च लाइफ जो है, हायर लाइफ जो है उसके उसकी तरफ हमें ये खाना ले जाए, ऐसा एक अंदर एक भाव या एक प्रार्थना आनी चाहिए। तो इस तरह ये हम खाने से पहले कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, एज इन चैप्टर 10 ऑन स्लीप वी शैल करटेल द साइज ऑफ आवर मील एंड द फ्रीक्वेंसी एंड बाई वेरी स्लो स्टेजेस फॉर्म आवर न्यू हैबिट्स ऑफ फूड। तो इन्होंने चैप्टर 10 के अंदर स्लीप के बारे में बताया कि स्लीप किस तरह हम घटाया जा सकता है। इसी तरह खाने के बारे में बैठ के कहते हैं कि भाई आप खाना जो खा रहे हैं उसको धीरे धीरे आपको घटाना है। 3 टाइम खाते हो तो फिर 2 टाइम के ऊपर आओ, 2 टाइम खाते हो तो 1 टाइम पर आओ, 2 टाइम के अंदर भी जो खाने का जो आपकी क्वांटिटी है वो कम करते जाओ, ये सब ये यहाँ बताने वाले हैं। वी शैल डू नथिंग इन अ हरी, हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, फूड के ऊपर अगर फूड के ऊपर काबू लेना है तो बहुत धीरे धीरे सोच समझ के हमें करना चाहिए, क्योंकि जो बरसों से हम खाना खा रहे हैं और हमारी जो हैबिट है तो कई बार हो सकता है कि वो हैबिट हमें ये नई चीज एडॉप्ट करने में थोड़ी मुश्किली डाल सकती है, इसीलिए धीरे धीरे काम करना चाहिए। हाउएवर बिफोर वी गो फर्दर लेट अस मेक ए फ्यू पॉइंट्स क्लियर। तो नंबर 1, देर इज नो क्रिएशन समथिंग फॉर नथिंग, ये कई बार ये शब्द का प्रयोग ये करते हैं उनकी किताबों के अंदर, समथिंग फॉर नथिंग, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, यू मस्ट हैव सम पेमेंट, तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, समथिंग फॉर नथिंग, कुछ भी ये जगत के अंदर मुफ्त में कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर कुछ हायर लाइफ चाहिए या आपको शरीर के स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कुछ पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो पेमेंट ये है कि आपको खुराक जो आप अभी तो खाना जो खा रहा है, एक कई ज्यादातर लोग तो एक
एक क्या कहते हैं, एक अपना शौक पालने के लिए या फिर एक मौज मजा के लिए जैसे कि खाना खाते हैं, तो ऐसा नहीं है होना चाहिए। ये एक हमारी जरूरियात है और जरूरियात जितनी है इतना ही हमें खुराक लेना चाहिए। तो इस तरह की हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए। और पेमेंट ये है कि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हायर लाइफ चाहिए, तो पेमेंट ये है कि आपको धीरे धीरे करके शाम का खाना छोड़ना पड़ेगा। सेकंड, वी हैव मेड नो न्यू डिस्कवरी और दैट वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व ए न्यू थियरी। तो यहाँ अपने बारे में वो कहते हैं कि मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने कोई नया नई शोध नहीं की है, या मैं कोई नई थियरी मैंने कोई विकसित नहीं की है। मैं जो है, मेरा जो अनुभव है उसके ऊपर से मैं जो मैं कोई जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। वी वॉन्ट नो प्रोमिस एंड वी मेक नो प्रोमिस। ये वो एक उनका खास ये रहता है कि भाई देखो, आपको जो करना है आपकी अंडरस्टैंडिंग से करो। मैं जो बता रहा हूँ वो तो मेरा एक काम है और मेरा जो नॉलेज है, और जो इसको अगर आपके अंदर उपयोग इसका है तो आप इसको फॉलो करो। तो ये कहते हैं कि भाई मैं किसी से प्रॉमिस न लेता हूँ न प्रॉमिस देता हूँ, और मतलब कि न किसी को बांटने की बात है न खुद बंध जाने की बात है। तो एक एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए कि भाई हमारा जो है सबको स्वतंत्रता है, सब सबके सामने एक अच्छे विचार रख दो, फिर उसको पालन करना न करना उसकी अपनी मर्जी की बात है। तो ये यहाँ ये कहना चाहते हैं। वी शैल टेल यू वॉट वी नो एंड वॉट हैव प्रैक्टिस फॉर ईयर्स। तो हम वही बताते रहे हैं कि जो हम जानते हैं और जो हमारे हमने सालों तक जिसका अभ्यास किया है और दूसरों के पास भी करवाया है, ऐसी जो चीज है वही हम बता रहे हैं। इफ यू थिंक दैट बाई डूइंग वॉट एवर यू आर सजेस्टेड बाई वे ऑफ फूड एंड स्लीप हैबिट एटसेट्रा यू फाइंड ए बेटर लाइफ, बाय ऑल मीन्स कंटिन्यू और एल्स फॉरगेट ऑल अबाउट इट। तो ये यहाँ भी फिर से वही कहते हैं कि जो ये फूड और स्लीप के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, सही है और बेहतर लाइफ के लिए ये जरूरी है, तो आप इसको कंटिन्यू करें, इसका पालन करें, वरना इसको भूल जाएं और आप जिस तरह जी रहे हैं इस तरह आप जिए। तो हम यहाँ बाइबल का एक कोटेशन पढ़ रहे थे जिसमें कहते हैं, देयरफॉर आई से अनटू यू बी नॉट सोलिसियस सोलिसियस फॉर योर लाइफ व्हाट यू शैल ईट और फॉर योर बॉडी और व्हाट यू शैल पुट ऑन। तो यहाँ एक बाइबल में कहते हैं कि जैसे कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि आपकी जीवन के बारे में आप जो खाना खा रहे हैं या आपका जो बॉडी है या फिर आप जो कुछ पहन रहे हैं उसके बारे में ज्यादा उत्सुकता मत होनी चाहिए। मतलब कि ये जो है, जो 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 हम खाते हैं पहनते हैं जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा आप अटेंटिव होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जरूरियात है और जरूरियात के हिसाब से आपको उसको करना चाहिए। इज नॉट लाइफ मोर देन मीट एंड द बॉडी मोर देन द रेमेंट। तो ये क्या खाना पीना या ये मीट या शब्द मतलब खाने के लिए है कि भाई क्या लाइफ, क्या खाने से ज्यादा लाइफ का जरूरी है, मतलब लाइफ से ज्यादा खाना जरूरी है, या कपड़ों से ज्यादा शरीर से ज्यादा कपड़ा जरूरी है? नहीं, शरीर पहला है बाद में कपड़ा है, या फिर जीवन पहले है बाद में खाना आता है। तो जो चीज जरूरी है उसका जरूरी आप उसका महत्व समझे, इस तरह का ये कोटेशन कहता है। फॉर पर्सन ओवर द एज ऑफ 21 द मेन ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज ओवर। अब तावरिया साहब फिर से कहते हैं कि समझाते हैं कि भाई ये शरीर जो है उसका जो जो बन रहा है, उसका जो ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है, वो विकास 21 साल तक में ज्यादातर हो जाता है। बाद में वो लेक्चर के अंदर 25 साल भी बोलते थे, तो 21 साल या ज्यादा से ज्यादा 25 साल के अंदर फिजिकल बॉडी जो है, जो अंदर जो बनना है, मसल्स टिश्यूज ऑर्गन्स अंदर के है, अंदर की जो ग्रंथियां जो काम करने लायक है, वो सबका जो डेवलपमेंट है ज्यादा से ज्यादा 25 साल के अंदर वो
वो सब कुछ हो जाता है। फूड देन मियरली मीट्स द नीड ऑफ रिप्लेस वॉर्न आउट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो उसके बाद में तो हमारे खाना की कितनी जरूरत पड़ती है कि जो हमारे अंदर जो टिश्यूज जो मर जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, उसका नया टिश्यू फिर हर चीज का बनना चाहिए, चाहे वो ब्रेन सेल्स है या फिर हर प्रकार के सेल्स है, और जो टिश्यूज है सेल्स के द्वारा टिश्यूज बनते हैं, तो वो फिर नए बनने चाहिए। इसके लिए, इसका मेंटेनेंस के लिए ही खाली फिर खुराक की जरूरत है। जब बच्चा छोटा होता है, दिन में 2 बार 4 बार जितनी बार खाना है उसको भूख लगती है, खा सकता है, क्योंकि उसका ग्रोथ है। अब 25 साल हो गई, अभी कोई ग्रोथ होने वाले नहीं है, ज्यादा खाने से कोई ज्यादा मस्कुलर बॉडी होने वाला नहीं है या ज्यादा शक्ति आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये जरूरी है कि फिर बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये टिश्यू नया जो बन सके, इतनी जरूरत के लिए ही फिर खाना है। Therefore, this way of life we do not wish to recommend for those who have not completed 21 years of their life. इसलिए कहते हैं कि जिनका भाई 21 साल नहीं हुआ है, उनके लिए हम ये आग्रह नहीं करेंगे कि भाई वो दिन में एक बार खाए या फिर शाम का खाना छोड़ दे, सुबह का खाना छोड़ दे, ऐसा वो लोग खा सकते हैं। Should they wish to follow, they are welcome to do so, as no harm will result, but at least a little gain will follow even in their cases. तो कहते हैं कि हमारा तो कोई आग्रह नहीं है कि वो करे, पर अगर वो चाहते हैं तो 21 साल के पहले भी वो लोग कर सकते हैं। अगर उनकी ऐसी इच्छा है कि शाम को नहीं खाना है, उसको कोई जरूरत महसूस नहीं होती है, तो ऐसा कर सकता है। उससे भी उनको थोड़ा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ऐसा इनका कहना है। Our reason is not, our reason in not recommending is that the seriousness of life should not be brought in too early life, unless of course it surges from within a person. तो कहते हैं कि भाई ये थोड़ा ऐसे जो प्रयोग है वो लाइफ का अर्ली स्टेज में करने से थोड़ी सीरियसनेस अगर आ जाती है तो वो लाइफ के अंदर ठीक नहीं है। लाइफ का एक भाग है जो वो, उसमें सीरियसनेस थोड़ी बाद में आती है, सीरियस बनता है वो ठीक है, थोड़ा जब उम्र छोटी है तो थोड़ा मौज मजा कर लेता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो इसलिए फिर भी अगर इसके अंदर से कुछ ऐसी स्फूर्णा होती है और वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। इफ वी अवॉइड वेस्ट ऑफ फिजिकल इमोशनल मेंटल एंड सेक्स एनर्जीज, वी शैल बी एबल टू क्रिएट ए ग्रेट इकोनॉमी सच दैट विथ कंट्रोल फूड हैबिट एंड रिड्यूस फूड इनटेक्स एंड लेस स्लीप, वी विल फील बेटर, फ्रेशर एंड हेल्दियर। तो पहली बात ये है कि भाई हम जो खाना खाते हैं उसमें से कुछ एनर्जी बनती है, पर एनर्जी हमारी वेस्ट कहाँ होती है, वो चार चीजों में वेस्ट होती है, उसको हमें ध्यान में लेना चाहिए और उसमें ढूंढना चाहिए कि भाई हमें हमारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कौन सी जगह से ये होती है। तो वो चार जगह बताइए, फिजिकल इमोशनल मेंटल एंड सेक्स एनर्जी, तो चारों में से ज्यादा में कौन सी जगह पर जाती है, तो वो हमें हर व्यक्ति इंडिविजुअल को अपने अपने ढंग से, पर एक कॉमन ये चीज है कि ज्यादातर हमारी एनर्जी इमोशनल लेवल के ऊपर ज्यादा चली जाती है, क्योंकि आदमी इमोशनली ज्यादा थोड़ा अंदर से ये रहता है, जैसे कि कोई ने कुछ कह दिया कि अंदर एक तुरंत बुरा लग जाता है, एक इंसल्ट फील हो जाता है, तो इमोशनल लेवल पर बार बार हमारे अंदर जरा जल्दी चोट आ जाती है। दूसरे सेंटर के अंदर तो इतना ये नहीं होता है, पर दिन भर में इमोशनल सेंटर ज्यादा एक्टिव हो जाता है और कई बार उसको मार झेलनी पड़ती है। तो इमोशनली एनर्जी हमारी सबसे ज्यादा जाती है, ऐसा जनरली तो हम देखा जाता है, फिर भी इंडिविजुअली हमें खास चेक करना चाहिए। तो अगर हम इसको वेस्ट कम करेंगे और एक एक इकोनॉमिक इसमें आ जाएगी हमारे अंदर, मतलब कि अभी ज्यादा व्यय नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकली ही हो रहा है, तो और इसके बाद में हम अगर फूड और स्लीप की जो हैबिट है उसको चेंज करते हैं, फूड का इंटेक जो है उसको कम करते हैं, स्लीप के आवर्स है उसको हम घटाते हैं, तो हमारे अंदर वी विल फील बेटर, फ्रेशर एंड हेल्थियर।
तो एक अच्छापन लगेगा हमें, हम हमेशा फ्रेश रहेंगे, स्फूर्ति में रहेंगे और हेल्दी तंदुरुस्त रहेंगे। आफ्टर एट फर्स्ट प्रिवेंटिंग वेस्ट वी शैल ऑल्सो टेक रिमेडियल स्टेप्स। तो एक पहला तो एक काम करना है कि कहाँ से वेस्टेज होता है उसको जरा देख लो, चेक कर लो और उसके ऊपर काबू पा लो। और दूसरा रिमेडियल स्टेप मतलब इसके रिमेडी के फॉर्म में या उसके उपचार के रूप में, जैसे वो उन्होंने ये सब करेक्टिव वगैरह बताया है तो वो उसके उपचार के रूप में भी फिर हम कर सकते हैं। जैसे इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो करेक्टिव खास करनी चाहिए अलग अलग प्रकार की, तो उससे ये कंट्रोल होता है। ड्रिफ्ट का जो दिया हुआ है वो मेंटल लेवल के ऊपर वो जरूरी है। हमारा ड्रिफ्ट से जो एनर्जी वेस्ट होता है और हर सेंटर के ऊपर हम इस तरह देख के काम कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिड्यूस ऑल फूड इनटेक टू जीरो बिफोर 10 और 11 AM। तो कहते हैं कि अगर सुबह का नाश्ता आप करते हैं तो सुबह 10-11 बजे से पहले आपको कुछ भी नहीं लेना है। धीरे धीरे करके आप इस तरह की एक तैयारी कर लो कि सुबह 10-11 बजे से पहले आप कुछ भी खाते पीते नहीं है। दिस शुड बी डन ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ 15 वीक्स। तो करीब करीब 4 महीना इसको आप लगा लो, इसके अंदर डालो और धीरे धीरे करके 4 महीने के अंदर सुबह का खाना है, नाश्ता वगैरह जो भी कुछ है, 10-11 बजे से पहले कुछ भी आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। द वन मील बिटवीन 10 एंड 11 AM अप टू 2 PM डिपेंडिंग ऑन कन्वीनियंस एंड अदर सर्कमस्टेंसेस शुड बी द मेजर मील फॉर द टाइम बींग। तो अभी हमारा जो पहला जो फूड मेन जो हमारा जो कोर्स है या लंच है वो सुबह में 10-11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कोई भी एक टाइम के ऊपर आप जो आपका मेन कोर्स है वो ले सकते हैं। वो आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। नथिंग शुड बी डन एट द कॉस्ट ऑफ फीलिंग दैट वी आर मिसिंग एनीथिंग। ये एक बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजिकल कई बार ऐसा होता है जो जल्दबाजी में छोड़ते हैं तो फिर एक अंदर से अंदर ही ऐसा होता है कुछ कमी कमीपन महसूस होती है, कुछ मिस किया हुआ है ऐसा लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए अंदर कि कुछ मिसिंग हो रहा है। नाश्ता छोड़ दिया फिर लगता है कि यार थोड़ा छोड़ दिया, खाना खाना मिलता तो मजा आ जाता, सुबह में गरम गरम नाश्ता मिलता तो ऐसा मिसिंग फिर नहीं होना चाहिए अंदर। एक बार अगर अंदर तैयारी कंप्लीट हो जाती है फिर ही आप छोड़ सकते हो। टेक लॉन्गर इफ दिस फीलिंग इज रजिस्टर्ड। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि भाई कुछ कम हो रहा है, कुछ जरा छूट गया, तो फिर आप ज्यादा टाइम लो, जल्दबाजी मत करो। मेक नो यूज ऑफ विल पावर। अभी विल पावर का यूज, अब एक्चुअली तो विल पावर मतलब हम जिद ही करते हैं। विल पावर तो एक अच्छा नाम हमने ढूंढ लिया है, हकीकत में तो हम जिद करते हैं और जिद करके कुछ करने का प्रयत्न करते हैं उसको विल पावर कह देते हैं। पर कोई भी चीज जिद से आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर थक जाते हैं आदमी और फिर उसको छोड़ना ही पड़ता है। जो लोग जिद्दी होते हैं उसको जानते हैं हमेशा कि इसकी जिद लंबे समय चलने वाली नहीं है, उसके बाद उसको छोड़नी ही पड़ती क्योंकि आदमी थक जाता है। तो ये विल पावर का तो यहाँ उपयोग, जिद की उपयोग करने का कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आपको कुछ छोड़ना नहीं है। शुड यू यूज थिंक यू हैव, ये फिर यहाँ विल पावर के बारे में कहते हैं कि आप मानते हैं कि आपके अंदर ऐसे कई विल पावर जैसा है। एंड डू नॉट मेंशन टू एनी वन दैट यू आर ऑन डाइट। और फिर ये एक प्रचार हम करने, ऐसा कुछ छोटा मोटा हम प्रयोग करते हैं तो फिर गांव में जाके कहने लगते हैं कि अरे देखो मैं तो शाम को नहीं खा रहा हूँ, मैं तो डाइट के ऊपर हूँ। ये डाइट बाइट नहीं है, एक प्रयोग है और प्रयोग से ज्यादा एक हमारे अंदर क्या कहते हैं, एक न्यू वे ऑफ लाइफ है, एक नया एक एस्टेब्लिशमेंट कुछ है। तो डाइट की तो बात ही नहीं करनी है यहाँ। यू आर सर्टेनली नॉट डाइटिंग बट ओनली करेक्टिंग। यहाँ हम करेक्शन करते हैं, हमारी जो गलत हैबिट्स है उसका करेक्शन हो रहा है। यहाँ कोई डाइटिंग की बात नहीं है, डाइटिंग नहीं कर रहे हैं। इफ वी हैव गिवन अप द सो कॉल्ड प्लेजेंट रोड ऑफ द प्लेजेंट लाइफ ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग एज मच एंड वेन एवर वी लाइक, लेट अस देन विथ एंथुसियाज्म एंड ए ग्रेट हैप्पीनेस आउटग्रो अवर ओल्ड एस्टेब्लिश हैबिट ऑफ फूड स्लीप एंड सेक्स।
अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो पुरानी आपकी जो हैबिट है फूड सेक्स और स्लीप के बारे में, वो ऐसे तो वो प्लेजेंट लगती है, इसके अंदर लोग इसमें से तीनों में से बहुत प्लेजेंट लेते हैं, तो वो प्लेजेंट अगर आप इसको गिव अप कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, तो फिर आप इसको छोड़ के नई हैबिट फॉर्म करिए और पूरे उत्साह के साथ और एक सुख की लागनी के सुख की एक फीलिंग के साथ आप आगे बढ़िए। लेट अस नॉट हैव वाटर और एनी अदर ड्रिंक ड्यूरिंग मील्स एंड देयर बाई गिव एवरी अपॉर्चुनिटी टू अवर सिस्टम विद इन टू डू इट्स वर्क। अब कई लोगों को खाना खाते समय बीच में पानी पीने की आदत होती है, और खास करके जो लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं, मसाला वाला खाते हैं, तो अंदर एक तो गर्मी पैदा होती है, तो बीच में पानी की जरूरत पड़ती है। तो फूड भी सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा मसाला वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। तो खाना खाते समय बीच में पानी मत पियो, और खाना खाने के बाद भी कम से कम तुरंत मत पियो, आधा घंटा अगर हो सकता है तो आधा घंटा रुको, और आधा घंटे के बाद ही आप थोड़ा धीरे से पानी पियो। वी मे हैव फॉर्म्ड ए हैबिट ऑफ टेकिंग समथिंग विथ टी इन द आफ्टरनून और इवनिंग। अब ये एक एक ये भी एक बहुत सारे लोगों में आज तो एक फैशन हो गया, और एक गलत एक स्नैक्स की एक हैबिट हो जाती है कई लोगों के अंदर। तो दोपहर को तो पेट भर के खाया है, 2 बजे खाया है, 1 बजे खाया है, फिर 4-5 बजते हैं, फिर लगता है कि नहीं अभी और थोड़ा कुछ खा लेते हैं। एक्चुअली कोई बॉडी को तो जरूरत ही नहीं होती है, ना कोई भूख लगती है, उस समय भूख भी जैसा भी कुछ नहीं होता है, पर लोग ऐसी एक हैबिट बना देते हैं, चलो ना बैठे हैं तो कुछ खा लेते हैं, या ऑफिस में भी कुछ इंटरवल पड़ता है तो कुछ चाय नाश्ता कुछ आ जाता है। तो ये इसको तो बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि आप खाना खाते हैं एक बार, इसको बाद कम से कम 6-8 घंटे तो बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मानो कि आप रात को भी अभी खाना खा रहे हैं, तो एक बार खाना खा लिया दोपहर में 1 बजे 2 बजे, फिर 6 से 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर हो जाएगी। उसको एक मौका दो, जो खाया है उसको आराम से पचने का मौका दो। पर लोगों को बीच में कुछ अच्छी चीज़ देखी, आइसक्रीम देखा तो खाने लगेंगे, इसमें कुछ और फ्रूट देखी तो खाने के बाद खाने लगेंगे। एक बार खाना खा लिया खत्म, अब फिर दूसरा जब मील होता है तभी आपको खाना है। ये एक हैबिट बहुत जरूरी है। कई बार लोग दूसरे के घर जाते हैं और कोई ऐसे एक फॉर्मेलिटी में और कटसी में देते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता लेके आते हैं और हम खाना खाने बैठ जाते हैं, कुछ सोचते नहीं, हाँ आया है सामने। कई कई बार कहते हैं कि अरे उसको बुरा लग जाएगा, ले खा लो ना करके। ये सब मन की चालबाजी होती है, कुछ नहीं ऐसा होता है, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर क्योंकि हमें अंदर से खाने की लालच होती है, तो किसी के यहाँ जाते हैं, किसी ने रख दिया तो हम खाना खाने बैठ जाए, देखते नहीं है कि हमें कि इसकी जरूरत है कि नहीं, अभी भूख लगी है कि नहीं, नहीं बस आया है तो खा लो। तो ये सब इसके ऊपर से कम साधना करनी, साधना तो दूर की बात है, हेल्थ के लिए शरीर अच्छा रखना है तो भी आपको ये कुछ डिसिप्लिन तो फॉलो करनी पड़ेगी, और साधना के लिए तो और ज्यादा आपको उसके ऊपर आना पड़ेगा। लेट अस देयरफॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 15 वीक्स स्लोली एलिमिनेट ऑल फूड इनटेक टिल द नाइट मील। तो बीच में भी ये दोपहर का खा लिया, बीच में रातना खाने के पहले ऐसा कुछ ऐसी भी गलत हैबिट होती है तो मेहरबानी करके बंद कर दो, ये शरीर को बिगाड़ने के लायक है, इससे मोटापा आ जाता है। बहुत लोगों का देखो आप पेट कितना बढ़ जाता है, तो क्योंकि बीच में ऐसा कुछ खाते पीते रहते हैं तो फिर पेट बढ़ जाएगा, शरीर बढ़ता ही जाएगा। तो ये सब कम कर दो, छोड़ दो, इससे कोई फायदा नहीं है और ना कोई एनर्जी मिलने वाली है, बाकी एनर्जी है वो भी चली जाएगी। स्लोली बट रिजोल्यूटली रिड्यूस द फूड इनटेक एट द नाइट मील ओवर ए फर्दर पीरियड ऑफ 15 वीक्स टू ड्रॉप दिस नाइट मील ऑल टुगेदर। तो अभी और 4 महीना लगाओ और धीरे धीरे करके, पहले तो जैसे कहा इस तरह थोड़ा थोड़ा टाइमिंग जल्दी करो, लेट खाते हैं जो लोग 8-9 बजे और इसके लेट खाते हैं वो तो बिल्कुल निकम्मी चीज़ है, कोई शरीर के लिए जरूरी नहीं, ऑन द कॉन्ट्रेरी शरीर को बिगाड़ता है। रोग जो हमारे अंदर आते हैं तो रोग को कोई आने का कोई कारण नहीं है, हमारी गलत जो है ये सब हैबिट है वही रोग को इन्वाइट करती है। और जो लोग रात को खाते हैं उन लोगों को कुछ न कुछ तकलीफ होती है,
गैस की तकलीफ होती है, शरीर में दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, मोटापा होता है, ढेर सारी तकलीफें आ जाती है। तो लेट मत खाओ, रात को खाना भी है तो जल्दी, जितना जल्दी 6-7 बजे अगर खाना खा सकते हैं तो खा लो, और कम से कम जितना खा सकते हैं इतना खाओ, पेट भर के एकदम न खाओ। कई लोग बोलते हैं कि भाई जल्दी खाते तो रात को फिर नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है तो जागते रहना, बैठे बैठे चिस्टेप करते रहना, पर रात को खाने की जरूरत नहीं है। तो एक ये डिसिप्लिन क्रिएट करो। नाउ लेट द बॉडी बी अकस्टम टू 1 meal एनीवे बिटवीन 11 AM to 2 PM एंड सर्टेनली नेवर आफ्टर 4 PM लोकल टाइम शुड एनी फूड एंटर द बॉडी। तो फिर अभी ऐसा करते करते हम आ गए हैं 11 से 20 के एक मील के ऊपर, दिन में एक ही बार खा रहे हैं और 4 बजे से पहले बिल्कुल नहीं। इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग वन टेक्स टू कम टू 1 meal ए डे एंड नथिंग टू ईट बिफोर और आफ्टर विदाउट द फीलिंग ऑफ वीकनेस और सेक्रीफाइस। तो कोई फीलिंग, यही टाइम पे खाना है, आगे पीछे नहीं खाना है, और ऐसी फीलिंग जैसे बताया कि पहले कहते हैं मिसिंग की फीलिंग, और इसी तरह यहाँ सेक्रीफाइस की फीलिंग। तो हमने बलिदान दे दिया है, देखो हमें तो आगे बढ़ना है, साधना करनी है, तो हम लोग तो रात को खाते ही भी नहीं है। ऐसे लोग बात करते हैं, ये कोई बात करने की बात नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। आप नहीं खा रहे हैं तो ठीक है, वो आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई उसका कोई प्रचार करने की थोड़ी बात है ये। पर लोग कहते और अंदर एक फील करते हैं कि देखो हमने कुछ सेक्रीफाइस किया, तो ये कोई सेक्रीफाइस नहीं है, ये तो हमारे फायदे के लिए है। देर शुड बी नो एडेड फ्रूट्स मिल्क और जूस बिसाइड्स अवर 1 meal 1 नॉर्मल मिल्क। अभी उसके ऊपर और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ ना जूस चाहिए, ना फ्रूट चाहिए, ना मिल्क चाहिए। तो दिन में एक बार खा लिया, फिर अगर हैबिट बन जाती है तो फिर कुछ नहीं चाहिए। पर अगर शुरुआत के दिन है और आपको शाम को खाना धीरे धीरे करके कम करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि शाम को आप फ्रूट वगैरह के ऊपर आ जाए, और फिर अगर बॉडी आपका तैयार हो जाता है तो फिर उसको भी छोड़ दे। तो शाम को पका हुआ खाना खाने से अच्छा है कि शाम को आप फ्रूट या जूस ऐसा कुछ लो, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा है। जो पकाया हुआ खाना है वो शाम को जितना अवॉइड करोगे इतना अच्छा है। वी शुड टेक टाइम टिल वी आर फाइनली कन्विंस दैट अवर 1 meal इज वेल बैलेंस्ड डाइट। तो हमारा एक बार का खाना ही संपूर्ण आहार है हमारा, इस तरह हमें हमें कन्विंस होना है, उसके बाद में ही हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है, ए वेल बैलेंस्ड डाइट विथ एन इल बैलेंस वे ऑफ लाइफ वी फील इज मच मोर हार्मफुल टू फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल लाइफ देन एन इल बैलेंस डाइट विथ ए वेल बैलेंस वे ऑफ लाइफ। इन फैक्ट दिस इज नेवर हार्मफुल। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात की है, दो बात की है, एक वेल बैलेंस डाइट है और दूसरा इल बैलेंस वे ऑफ लाइफ है। अगर आपका वे ऑफ लाइफ इल बैलेंस है और आप खाना तो बहुत अच्छा खा रहा है तो कोई फायदा नहीं है, और उससे अलग आपका जो ये है इल बैलेंस आपका डाइट है पर वेर बैलेंस वे ऑफ लाइफ है, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है। तो ये एक जानना, क्योंकि लोग देखो 5-star होटल में जाते हैं, अच्छा सा कुजीन लेते हैं, उसको जैसे हम जिसको वेल बैलेंस डाइट कहते हैं वो खाते हैं, लोग कैलोरी वगैरह देख देख के दिन भर में खाते हैं, पर वे ऑफ लाइफ कैसा है वो कोई सोचता नहीं। दिन भर के अंदर ऐसी नेगेटिविटी, कचरा जैसे विचार हमारे अंदर आते रहते हैं, इमोशनली हम डिस्टर्ब रहते हैं, ये तो कुछ हम देखते नहीं, और वेल डाइट खाली खा लेने से हम सोचते हैं कि हमें संपूर्ण हेल्थ मिल जाएगी, वो कैसे पॉसिबल। वेल डाइट बैलेंस खाया, इसलिए तो तावर जी कहते थे कि भाई एक मजदूर आदमी है जो खाली सूखी रोटी खाता है और उसके साथ में मिर्च और या प्याज का टुकड़ा खा लेता है, तो वो एक अमीर आदमी से ज्यादा हेल्दी है। जो 5-star के जो क्विजिन खाते हैं उससे तो वो ज्यादा हेल्दी है, खाली सूखी रोटी खाने वाला।
क्योंकि उसकी मेंटालिटी एकदम क्लियर है, अच्छी है, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। पर जो 5 स्टार में खाने वाला है उसके अंदर बहुत सारा ढेर सारा ये नेगेटिविटी का कचरा पड़ा हुआ है, तो फिर उसको क्या फायदा होने वाला है। तो हमारे अंदर ये जो वे ऑफ लाइफ कैसी है वो देखना है, न कि आपका डाइट कैसा। दिस इज नॉट टू डिनाई व्हाट साइंस हैज टू रेकमेंड, फॉर साइंस इज परफेक्टली राइट इन रेकमेंडिंग ए वेल बैलेंस्ड डाइट एंड एन 8 आवर वेल बैलेंस्ड स्लीप। विथ आवर प्रेजेंट इल बैलेंस वे ऑफ लाइफ, अनबैलेंस्ड डाइट एंड अनबैलेंस्ड आवर्स ऑफ स्लीप, द एवरेज पर्सन वुड गो टू ग्रेव इन यूथ। अब ये कहते हैं कि भाई योग की दृष्टि से जो साइंस बात कर रहा है, योग की दृष्टि से तो कोई वो उसका कोई ये नहीं है लेना देना, पर जो आदमी एक नॉर्मल आदमी जो जी रहा है, जो भागा भागी कर रहा है, दिन भर में काम काज कर रहा है, इसके लिए जो जो साइंस ने कहा है कि भाई वेल बैलेंस डाइट की जरूरत है, 8 घंटा नींद की जरूरत है, वो सही है। क्योंकि इतना भी नहीं होगा और फिर उसका खाना पीना ठीक नहीं होगा, सोना ठीक नहीं होगा, तो वो तो जवानी में ही कब्र में चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि देखो आपकी आप काम करते 10-12 घंटा काम करते और ठीक से खाना नहीं खाते, जो साधक नहीं है उसकी बात यहाँ है कि वो 10-12 घंटा काम करता है तो उसको 2-3 बार खाना खाता है तो वो उसके लिए जरूरी है, और 8 घंटा सोता है। योग के अंदर ये नहीं है, योग की एक डिसिप्लिन अलग है, जो योग के मार्ग के ऊपर जाना चाहता है, चाहे वो नौकरी धंधा करता हो तो भी उसको डिसिप्लिन धीरे धीरे फॉलो करके ये सबके अंदर कम करना चाहिए। पर साइंस जो काम बात कर रहा है वो एक नॉर्मल आदमी जो लेमेन है उसके लिए ये बात सब ठीक है। ऑल टॉक ऑफ बैलेंस डाइट एंड स्लीप एंड लाइफ आर गुड, बट एज ऑल गुड इज रिलेटिव, दे आर ऑल्सो ओनली गुड इन रिलेशन टू अ पर्सन। तो यहाँ वही बात फिर से आती है कि भाई सापेक्ष रूप में वो रिलेटिवली जो बात कर रहा है साइंस वो बराबर है, पर सबके लिए वो कोई मान्य नहीं है। सबके लिए जरूरी नहीं कि सब लोग ही, दुनिया भर के लोग 8 घंटे सोए और इस तरह का 2-3-4 बार खाना खाए, वो सबके लिए सापेक्ष रूप में वो ठीक है। फॉर ए पर्सन हु डिसाइड्स टू कॉन्शियसली लिव इन अ डिफरेंट मैनर, दिस वेल बैलेंस डाइट एंड स्लीप पैटर्न सीज टू हैव एनी मीनिंग। तो जिसको अलग ढंग से जीना है और अलग अपना रास्ता जिसने पकड़ा है उसको तो ये सबको बंद करना पड़ेगा, सो कॉल वेल बैलेंस डाइट या ये 8 घंटे की स्लीप, ये सब उसके लिए जरूरी नहीं है। हावेवर इन ऑल केसेस चेंज शुड बी वेरी ग्रेजुअल यत सिंसियरली एंड रिजोल्यूटली मस्ट इट कम। तो अगर चेंज करना है तो वो धीरे धीरे करना है, ग्रेजुअली करना है, और एक दिल से करना है, और दृढ़ता पूर्वक मक्कमता पूर्वक करना है। इस तरह चेंज आप कर सकते हैं। यहाँ समय तो हो गया है, पर एक दो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं यहाँ जरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में हम खत्म करते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई है, देर आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी व्हेन वी रेस्ट एट नाइट। तो कुछ हम जब आराम रहते हैं रात को, उस समय कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हमारे बॉडी के हैं वो चालू हो जाते हैं। द वर्कर्स विद इन शुड नॉट बी एग्जॉस्टेड फर्दर बाई ईटिंग एट नाइट एंड एडिंग द फंक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन टू द अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। तो कहते हैं कि रात को खाना खाने से फिर जो अंदर जो कामगिरी चल रही है, अंदर जो वर्क चालू है, जैसे बताए थे इस तरह कि भाई सेल्स का जो रिपेयरिंग वगैरह है वो सब चालू होता है, तो रात को खाने से ये चीज़ वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसलिए कृपया रात को मत खाए, नहीं तो ये जो डाइजेशन और एक्सक्रीशन की जो क्रिया है, हमने आगे जो देखा प्राण अपान समान की, तो वो सब क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए कृपया रात को मत खाएं। वी शुड देयरफॉर एंडेवर नॉट टू पुट इन द स्टमक एनीथिंग लेटर देन 4 PM लोकल टाइम। और कहते हैं कि इसीलिए हम ना कहते कि 4 बजे के बाद कुछ मत खाओ, क्योंकि बॉडी जो उसका अंदर का कामगिरी है उसको करने दो, रात को खा के उसको डिस्टर्ब मत करो। इफ वी फील दैट वी हैव टू
टू ऑब्लाइज समवन बाय एक्सेप्टिंग द इनविटेशन टू डिनर और पार्टी और वेडिंग वी शुड ज्वाइन इन विदाउट गिविंग एनी वन द लीस्ट सस्पिशियन ऑफ वॉट वी आर डूइंग बट वी मस्ट कॉम्पनसेट। तो कहते हैं कि भाई आप समाज में जीते हैं तो ऐसा हो सकता है कभी रात को कोई पार्टी में जाना हुआ, कोई शादी में जाना हुआ और आपको खाना भी पड़े, तो आप किसी को ऐसा बताओ मत कि आप कुछ और कर रहा है और ऐसा कोई दिखावा मत करो, बस सिंपली आपको ज्वाइंट होना है तो हो जाओ, पर इसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो कॉम्पेंसेट के बारे में वो कहते हैं आगे कि अगर आपने आज रात को आप भोजन के लिए कोई पार्टी में जाने वाला है तो आपको दोपहर को पहले नहीं खाना है, फिर आज रात को आपने खा लिया तो दूसरे पूरा दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है, और तीसरे दिन फिर आपको जो दोपहर को खाना खा रहे हैं वो खाना है। तो बहुत बहुत डिफिकल्ट कंडीशन एक शर्त उन्हें रखी है जिसका पालन करना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए रात को खाना हम छोड़ देना और पार्टी में न जाना ही इससे तो अच्छा है। इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट आफ्टर 36 आवर्स वंस वी आर यूज टू ईटिंग वंस इन 24 आवर्स बट नॉर्मली इट इज़ नॉट प्रॉपर टू हैव एनीथिंग आफ्टर 4 PM लोकल टाइम दिस लेस वी इंडल्ज इन डिनर द बेटर। जितना हम डिनर में जितना कम हमारा इंडल्जेंस होगा इतना अच्छा रहेगा, और आगे जाके 36 घंटे तक भी हम कुछ नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार में अगर खाने की हैबिट डाल दी तो 36 घंटे भी हम भूखा रह सकते हैं। अब लास्ट बात जो बता रहे हैं वो है नेचर हैज नॉट येट क्रिएटेड एनीथिंग बेटर देन वाटर टू ड्रिंक। अब ये पानी की ड्रिंक की बात बता रहे हैं कि प्रकृति ने जो पानी बनाया है उससे बेहतरीन चीज़ आज तक में मानव इंसान ने बनाई नहीं है। मैन हैज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड एनीथिंग बेटर देन वाटर आइदर। तो इससे अच्छा तो कुछ आदमी ने बना ही नहीं सकता है और बनाया नहीं है। एन ओकेजनल कप ऑफ टी और कॉफ़ी इज अंडरस्टैंडेबल। तो कभी 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 कभार आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो ठीक है, इसकी भी गुलामी नहीं होनी चाहिए कि अगर कई लोगों को चाय नहीं पिए तो सर दुखने लगता है, बेचैनी सी लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ पी लिया ठीक है, मिली है पी लिया, मजा है। और आगे एक इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं, नेवर पुट इन टू द सिस्टम एनी काइंड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक आइदर डाइल्यूटेड और नीट इन एनी क्वांटिटी। यहाँ अभी एक गंभीर बात ये बताइए, क्योंकि आजकल सोसाइटी के अंदर फैशन हो गई है, कहाँ पार्टी चल रही है, हम जहाँ जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ कुछ ये सब चल रहा है, कुछ जो हार्ड ड्रिंक्स है वो पार्टियों के अंदर चलता रहता है अल्कोहलिक। तो ये कहते हैं कि एक ड्रॉप की आपके अंदर नहीं जाना चाहिए अल्कोहल का, वो शरीर के लिए बिल्कुल नुकसानकारक है, और न तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में या नीट फॉर्म में किसी भी हालत में वो नहीं हमारे अंदर जाना चाहिए। ये एक लास्ट बात उन्होंने कही है, आगे एक दो बात है वो तो ठीक है। तो यहाँ हम हमारा ये समाप्त करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात आज इसमें हमने देखी है। जितना पालन आप हो सके इतना करिए, और 4 बजे के बाद नहीं खाने का प्रयत्न करिए। खाना ही जरूरी है तो कुछ फ्रूट खाइए, शुरू में दूध खाइए, पर और ज़्यादा मत आप खाइए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए आगे जो जाना है साधना के लिए उसके लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हेल्दी रहने के लिए भी ये सब जरूरी है, आप पालन करें आपकी जितनी ये है इस तरह। ओके थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, थैंक यू।